देखिए ये मैंने क्रोशिया से स्वेटर बनाया है बच्चों के लिए। तो ये क्रोशिया से बनाया है ऐसे जैसे सिलाई से स्वेटर बनाते हैं वैसे। तो ये बच्चों में बहुत बढ़िया लगता है और बहुत अच्छा है ये डिजाइन। तो आप इसको अगर बनाती हैं बच्चों के लिए तो हमने तो इतना सा लेके दिखाने के लिए बनाया है, और आप बच्चों किसी बच्चे के भी बनाते हैं आप तो इस हिसाब से ये चैन बनती है। ये जो चैन बनाते हैं हम तो ये चैन बनती है सबसे पहले। तो ये अगर बच्चों के बना रही हैं आप तो बच्चों के बैक साइड में आप इसका नाप ले लें कि हाँ ये कितना बच्चों का साइज बनाना चाहिए, और उस हिसाब से ये बनना शुरू होगा। तो ये कम ज़्यादा नहीं होता है, ये सीधा सीधा उतना ही फंदे बनते जाते हैं। ये तो मैं बना के दिखा रही हूँ ये कि ये कैसे बनेगा। तो इतना सा चैन है ये, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ ये। तो ये चैन इतना सा है, इस पे बना रही हूँ। तो शुरू में हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 डबल क्रोशिया, इसके बाद बीच में 2 चैन बनाएंगे, और फिर ये 1-2 छोड़ के तीसरे में फिर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 4 डबल क्रोशिया बना के बीच में फिर से 1 और 2 चैन बना के, और फिर हम ये 1, 2, 3 छोड़ के चौथे में फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया 4। 1, 2, 3 4, डबल क्रोशिया बना के और फिर से 2 चैन बनाएंगे, और फिर ये 3 छोड़ के चौथा हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 4। ये जैसे 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद हम 1, 2, 3 चैन बना के हम अब इधर दूसरी साइड से बनाएंगे इसी के ऊपर। जितना बना हुआ है डबल क्रोशिया उतना ही बना के उस तरफ जाएंगे। चार डबल क्रोशिया बना है और इसके ऊपर भी ये 4 ही बना। जैसे हम 2 यहाँ पे बीच में चैन ले रहे हैं तो फिर से 2 चैन बनेगा यहाँ, और फिर इसके ऊपर ही 4 डबल क्रोशिया बनेगा। 4 डबल क्रोशिया नीचे बना है, 4 इसके ऊपर ऊपर बनेगा। ये 1, 2, 3, 4।
फिर बीच में दो चैन बनेगा, फिर ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर ऊपर ही चार है तो चार ही बनेगा। ऐसे चार के ऊपर चार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे दो चैन, फिर यहाँ पे हम ये ऊपर जितना बना हुआ है डबल क्रोशिया उतना ही बना लेंगे। एक दो तीन चार, चार बन गया ये। तो अब इसको हम यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब यहाँ से हम ये दूसरी कलर लगा रहे हैं। तो यहाँ हम एक दो दो चैन बनाएंगे, और दो चैन के बाद हम ये जो है हमने छोड़ा है जो दो दो चैन बनाए हैं इसके हम यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से ये धागा लेंगे ऐसे। एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहाँ पर बीच में एक दो दो चैन बना के फिर अब इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ इसमें नहीं बना के यहाँ से बनाएंगे, फिर इसमें हम डबल क्रोशिया चार बनाएंगे। एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बना के दो चैन फिर से लेंगे यहाँ, और फिर यहाँ से बनाएंगे यहाँ नीचे से, फिर यहाँ इस पे बनाएंगे चार डबल क्रोशिया। एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर दो चैन बनाएंगे, और यहाँ पर एक बना देंगे डबल क्रोशिया। एक दो चैन लेके और फिर हम इधर इस साइड आ जाएंगे। अब इसके बीच बीच में बन गया डबल क्रोशिया। अब यहाँ से फिर हम इधर आएंगे दूसरी तरफ, ये फिर से हम ये जो चार डबल क्रोशिया बनाया इसके ऊपर ऊपर फिर से चार बनाने हैं। एक दो तीन चार, दो चैन बनाएंगे फिर से बीच में, और फिर जितना ये डबल क्रोशिया बना है चार बना है तो चार ही इसके ऊपर बनेगा डबल क्रोशिया। एक
दो, तीन, चार, चार बना के फिर बीच में दो चैन बनेगा। फिर दो चैन लेने के बाद फिर से हम इसके ऊपर ऊपर ही चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये चार डबल क्रोशिया इसके ऊपर ही बना लिया। फिर दो चैन बना के अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया ले लेंगे ऐसे। अब इस तरफ से हम फिर से ये जो हमने ये धागा लगाया है व्हाइट वाला, अब इसको यहाँ छोड़ देंगे। फिर हम ये वाला धागा यहाँ पर लगाएंगे। तब यहाँ से हम ये दूसरा धागा लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमने जैसे ये नीचे वाला बनाया है वैसे इसके ऊपर इसमें चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चार डबल क्रोशिया बना के और फिर हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे और फिर इसके अंदर अभी ये हो गया ये इसके नीचे। तो यहाँ से नहीं बनाएंगे हम इसको, यहाँ से बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, चार डबल क्रोशिया बना के फिर बीच में दो चैन बनाएंगे और फिर से यहाँ से हम ये और ये दोनों एक साथ बनाएंगे, इसमें बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, फिर बीच में दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, ये चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर हम इसको एक दो तीन चैन बना लेंगे और फिर इस तरफ आ गए। तो इस तरफ फिर से हम इसको जितना डबल क्रोशिया बना है उसके ऊपर उतना ही बनाने हैं। ये दो हो गया, ये तीन, चार, चार बनाने के बाद फिर से दो चैन बना लेंगे और फिर इसके जितना ऊपर बना है उतना ही बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, चार बनाने के बाद फिर दो चैन बनाएंगे और इसके ऊपर जितना है बना हुआ है इसके ऊपर ही फिर से बना देंगे हम। एक, दो,
चार, चार के बाद फिर दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे जितना डबल क्रोशिया बना है उतना फिर से बना देंगे। ये दो, तीन, चार। अब चार बनाने के बाद ये दो लाइन बन गया, या हर दो लाइन पे ये धागा आपको बदलना पड़ेगा। ये बदल जाता है, दो लाइन ये बन गया। अब फिर हम अब इस साइड आएंगे, तो इस साइड हम अब फिर ये वाला धागा लगाएंगे। ये धागा लगाएंगे तो ये तीन बार तीन चैन बना लिया। और इसके बाद फिर से हम यहाँ आ गए, तो हम इसको छोड़ देंगे और इसमें बनाएंगे, इसमें से बनाएंगे फिर चार डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार। चार बनाने के बाद दो चैन बनाएंगे और फिर ये और ये एक साथ बनाएंगे। यहाँ से लेंगे धागा, क्रोशिया डालेंगे, ये एक, दो, तीन, चार। इसके बाद फिर से हम दो चैन बनाएंगे और फिर इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से बुनेंगे ऐसे। एक, दो, तीन, चार। तो ये देखिए, ये जो डिजाइन बनेगा बस हर दूसरे लाइन पर ये धागा बदलेंगे। और जैसे जैसे है ये एक 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 दो, पहला ये लाइन जो गया फिर इधर से हम आएंगे तो उसके ऊपर ही जितना बुना है बनेंगे। फिर हम एक बार गए इधर से, दूसरी बारी उसी के ऊपर चार बनाएंगे। तो ऐसे आप बार बार बदलते जाएंगे, इसी को रिपीट करना है बार बार, और ये डिजाइन बनता जाएगा। और आप बच्चों के डिजाइन में डालेंगे, बच्चों के स्वेटर में डालेंगे, तो ये बहुत प्यारा बहुत अच्छा डिजाइन लगता है बच्चों के लिए। और ये दोनों तरफ से, जैसे इस तरफ से और इस तरफ से, एक जैसा ही बनता है डिजाइन। तो आपको जहाँ से अच्छा लगे उसको सीधा करके आप अपने स्वेटर में डाल सकती हैं। और जो मैंने ये बड़ा बनाया है इतना, तो ये पूरा डिजाइन बन के इस तरह से आता है। कोई भी खिलने वाला कलर आप लगा सकती है बच्चों को डिजाइन में, जो बहुत बढ़िया सुंदर बनेगा ये।